तो हाँ भाई लोग, क्या हाल चाल है? ऊपर से होंगे आप सब लोग, अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम अशोक लेलैंड प्राइवेट बस मोड का रिव्यू करेंगे गाइस, और एक तमिलनाडु बस मोड। और ये बस मोड एकदम ईटेस्ट लेवल वाला है गाइस, मतलब इसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर प्ले हो रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटे को भी जरूर दबाइए, और हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें गाइस, क्योंकि हम उधर भी ड्राइविंग वीडियो कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तमिलनाडु बस मोड को टीम मास राइडर्स ऑफिशियल चैनल ने बनाया है गाइस, तो मतलब तमिलनाडु मास राइडर्स ऑफिशियल चैनल ने बनाया है। तो इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा गाइस, तो आप उधर जाकर उनके वीडियो से पासवर्ड पता करके पूरा डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का आपको एक बहुत ही बढ़िया रूप का एक एक्सटीरियर लुक देखने को मिलेगा, और आपको भरपूर लाइट्स भी देखने को मिलता है। आपको आगे के पूरा फॉन्ट और सब कुछ आपको पूरा LED लाइट वाला वर्क पूरा इंस्टॉल करके ही दिया है इस मोड में, और देखने में अच्छा है गाइस। और इसके अलावा आपको 3 तरह के एनिमेशन की देखने को मिलेगा। तो पहले वाले एनिमेशन से विंडोज और आगे का बोनेट ओपन होता है गाइस, और दूसरे वाले एनिमेशन से एक वाइपर आता है, और तीसरे वाले एनिमेशन से डेस्टिनेशन बोर्ड चेंज होता है गाइस। तो इसका एनिमेशन की अच्छा है, मतलब ज़्यादा एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो दिया है वो अच्छा है गाइस। और उसके अलावा इसमें आपको एक अच्छा खासा इंटीरियर देखने को मिलेगा, तो इसका इंटीरियर अच्छा है। और आपको इस मोड में रेन इफेक्ट देखने को मिलेगा गाइस, हालांकि इसका वाइपर एकदम बेकार है गाइस, किसी काम का नहीं है। अगर आप वाइपर को ऑन करोगे या ऑफ करोगे तो ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता गाइस विंडशील्ड में, मतलब। और उसका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लेकिन वो विजिबिलिटी उतना बढ़िया नहीं है। जब रेन पूरा आता है, मतलब जब बारिश होती है, तो इसका विंडस्क्रीन ठीक तरह से वाइप पूरा नहीं होता गाइस, मतलब ठीक तरह से क्लीन नहीं होता, जिसके कारण आपको थोड़ा चलाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसके अलावा आपको इसमें अच्छा खासा इंटीरियर एक्सटीरियर और आपको ओवरऑल एनिमेशन सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, और आपको बहुत सारे डेकोरेशन देखने को मिलता है। लेकिन मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा डेकोरेशन अच्छा नहीं लगा गाइस, अगर कुछ ऑप्शन होता, मतलब अगर एनिमेशन गेम में कुछ ऑप्शन होता कि अगर वो स्ट्रिप्स को पूरा निकालने का ऑप्शन होता तो और भी बढ़िया होता। अगर अभी फिलहाल देखो तो ठीक ठाक है, मतलब ड्राइंग अगर अच्छा है, लेकिन जब बारिश के टाइम में आप ये पूरे डेकोरेशन पूरा आइटम के साथ चलाओगे तो आपको दिक्कत आ सकता है, मतलब ये पूरा स्ट्रिप्स पूरा आपको दिक्कत दे सकता है गाइस। लेकिन इसका इंटीरियर एक्सटीरियर और ड्राइविंग एक्सपीरियंस एकदम दास हुए, आपको एक अच्छा खासा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और एक और प्लस पॉइंट है कि इस मोड में आपको एक अच्छा खासा साउंड देखने को मिलेगा, मतलब इसका साउंड इंटीरियर में भी एकदम लाउड एंड क्लियर है गाइस, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और लाइट्स और पूरा जो इंडियन वाइब है वो सब आपको इस मोड में देखने को मिलेगा, और ओवरऑल अच्छा है। अगर वो शिप का एनिमेशन का कुछ एनिमेशन किया होता तो बढ़िया होता, और उसके अलावा वाइपर को भी फिक्स करना चाहिए गाइस, क्योंकि इसका वाइपर बेकार है, एकदम यूजलेस सा वाइपर दिया है, जो कि अपना काम ठीक से करता नहीं, तो वो मुझे पसंद नहीं आया। ओवरऑल मोड तो अच्छा है गाइस, तो नीचे कमेंट करें कि आपको ये मोड कैसा लगा, मुझे तो अच्छा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूँगा, तो तब तक के लिए बाय बाय।
miss